पश्चिमी रेलवे सर्किल के रेलवे संरक्षा आयुक्त आर के शर्मा ने किए स्वरूपगंज से मावल रेलवे स्टेशन तक के विद्युतीकरण कार्य के निरीक्षण के बाद 37 किलोमीटर लंबे विद्युतीकृत मार्ग को अप्रूव कर दिया है। निरीक्षण के बाद कार्य के प्रति संतुष्टि जताते हुए सीआरएस शर्मा ने रेलखंड पर विद्युतीकृत इंजन युक्त ट्रेनों के संचालन की सशर्त स्वीकृति प्रदान कर दी है। स्वीकृति के बाद अब इस रेलखंड से इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेनों का संचालन होगा। शर्मा ने मंडल रेल प्रबंधक नवीन कुमार परशुराम समेत मंडल स्तरीय तकनीकी अधिकारियों के साथ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कार्यों का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान सीआरएस ने स्वरूपगंज, भीमाना, किवरली, मोरथला, आबूरोड व मावल स्टेशनों के साथ ही रेलखंड के विभिन्न पॉइंट्स का बारीकी से अवलोकन कर इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रायल रन किया था। कार्य के मापदंडों के मुताबिक होने पर सीआरएस ने सशर्त स्वीकृति जारी की है। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और YouTube चैनल अपना रेल को सब्सक्राइब करें।